स्टार्ट हो गई ऑल सब्सक्राइब हो गए यूट्यूब हो गया ना ना बोलिए बोलिए। हेलो दोस्तों, सिवान डिस्कशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कशन का कल तो नहीं हुआ था लाइट कट जाने के कारण, लेकिन आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो स्पीडी है स्पीडी से चलता है इसका, और इस दृष्टि का जो साइंस का बुक है इसे चलता है, और लूसेंट चलता है। जीके की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है डिस्कशन। दिक्कत नहीं, नींद जाइए यार। चलिए हम लोग स्पीडी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 73। बताइएगा लो क्वेश्चन, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? प्राथमिक सेक्टर में आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या था? वैज्ञानिक था। एक फिजिकिस्ट था, ठीक है, फिजिक्स का वैज्ञानिक था। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। आर्थिक उदारीकरण के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अफीम किससे बनाया जाता है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है? सुलहकुल उत्सव। हाँ, सुलहकुल उत्सव है। मठ किसका? मठ मंदिर जो होता है, मंदिर और स्तूप का बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ हुआ, मंदिर हुआ। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा यदि वही मंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? बैटरी का धन ध्रुव क्या कहलाता है? बैटरी का ऋण ध्रुव क्या कहलाता है? कैथोड। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटेकर। विजय भाटेकर। सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हृदय रोग जो होता है किसकी अधिकता से होता है? कोलेस्ट्रॉल के। महिला साक्षरता दर किस में अधिक है? केरल में। एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? एड्स में। लोकसभा राज्यसभा को किस संयुक्त बैठक किसमें मतभेद होने पर होती है? लोकसभा और राज्यसभा में ही मतभेद होगा तो लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। इस संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अपने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की दिखाने के लिए बुक्टेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक का क्या नाम था? चरक। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रभाव पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। हाँ, उसका थ्योरी दिया था, या आधारित पूछ रहा है तो डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। बढ़ता हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसी कारण क्या होता है? प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बनता है, ठीक है। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? मिल्टन। एक एड वैलोरम ड्यूटी किस पर लगता है? वैल्यू एडेड पर एक मतलब कर है, टैक्स है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां चल रहा है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक किसने कदम उठाए थे? अजंता चित्रकला में किसको दर्शाया गया है? पंचतंत्र को दर्शाया गया है। आगा खा कप किससे संबंधित है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसे बना होता है? चुंबकीय फलक से कहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? एक किरण की तरंग दैर्ध्य कितना से कितना होता है? तो 10^-10 से 10^-8 तक होती है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत
1.2 से 1.7% तक। एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है? 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक कूलम। जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने किसमें लिखा था? आरसी में, ठीक है। आरबीआई भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई के लिए एक कब आया था? 1934 में। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? 1949। मानव रेटिना में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। 1 मेगावाट कितना लाख वाट के बराबर होता है? 10 लाख वाट के बराबर होता है। गर्म करने पर बिटुमिन क्या प्रदान करता है? कोमलता, लचीलापन। शब्द तृतीय विश्व का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो क्या होते हैं? जो अर्ध विकसित होते हैं और क्या होते हैं? विकासशील होते हैं। निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ हूम 1985। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड ड्रॉफिन था। जो एओ हूम था क्या था? पक्षी वैज्ञानिक था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर होता है। तृतीय सेक्टर जिसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति किस वृत्त के उच्चतम होती है? घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ उच्चतम होती है। 1857 का विद्रोह क्या था? सैन्य विद्रोह था। संतुलित भोजन में सूक्ष्म और व्यापक क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में विकसित हुआ था। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? लाइपेज, बहुत अच्छा। अंडाशय किस हार्मोन, अंडाशय जो होता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। देशांतरीय या म्योत्तर क्या है? देशांतरीय या म्योत्तर क्या है? मुख या म्योत्तर से किसी स्थान पर कोणीय दूरी। नेपा नगर कहाँ है? किसे संबंधित है? पेपर मिल से संबंधित है। इन नेपा है, एक नेफा है। तो नेफा जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इन नेपा है, नेपा नगर, पेपर मिल। भारत में ऑपरेशन फ्लड किसे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। वही दूध ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो 1970 में चलाया गया था। इसके जनक किन को माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में आर्थिक असमानता अमीर गरीब द्वारा दर्शाई जाती है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। शेयर कीमतों में बुलिन ट्रेंड क्या करता है? अपराइजिंग ट्रेंड, मतलब ऊपर ट्रेंड करता है। अब बीच वाला देखेंगे जो भारत के परिवर्तित पर्यटन नगर है। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऊटी कहाँ पे है? राजस्थान में। तमिलनाडु में। पहलगांव जम्मू कश्मीर। कुंजूर तमिलनाडु। मसूरी उत्तराखंड। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कोडई कनाल तमिलनाडु। पंचगनी महाराष्ट्र। शिलोंग मेघालय। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अल्मोड़ा उत्तराखंड। माउंट आबू राजस्थान। खंडाला पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचगनी महाराष्ट्र। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नैनीताल उत्तराखंड। कसौली हिमाचल प्रदेश। मनाली हिमाचल। रानीखेत उत्तराखंड। लोनावला महाराष्ट्र। पेरियार केरल। मन्नार तमिलनाडु। केरल मन्नार। मन्नार का खारी वो है तमिलनाडु में। मन्नार परिवर्तित नगर का बात बोल रहा है। कुल्लू कहाँ पे है? डलहौजी हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश में ही। अब बताइए प्रमुख नगर और उनके संस्थापक। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। श्रीनगर के संस्थापक अशोक। अहमदाबाद के संस्थापक अहमद शाह प्रथम। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी। 1504 में स्थापना हुआ था। जोधपुर के संस्थापक
राव जोधा जी, राव जोधा जी। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास। चेन्नई मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन। प्रतापगढ़ की स्थापना राजा प्रताप सिंह। राजगिरी की स्थापना बिंबिसार, बिंबिसार। जौनपुर के संस्थापक बताइए फिरोज शाह तुगलक। अजमेर का राजा अजयपाल चौहान। जयपुर का स्वाई जय सिंह द्वितीय। मानेखेट का राजा अमोक वर्ष। हैदराबाद का कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सिकरी का अकबर। तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का बताइए, दिल्ली का ये अनंगपाल तोमर शासक। पटना के शेरशाह सूरी। इंदौर का मल्हार राव होलकर। विजयपुर का यूसुफ आदिल शाह, जिसे गोवा को पुर्तगालियों ने छीना था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रोहिला महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। अच्छा, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। नागपुर में गारो खांसी जयंतिया मेघालय में है, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ शासन किया? गोलकुंडा में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। वर्ष 1950 में भारत एक क्या बना? संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। सूर्य के सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो लेबर पार्टी से। इनका कार्यकाल 26 से 50 था। ग्रेगेरियन कैलेंडर अब तक वैश्विक स्तरों पर अपना लिया गया है? वायुमंडल के बाहतम परत एग्जोस्फीयर, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर जो PUK कहलाता था, उसका राजधानी थी, उसका राजधानी क्या था? क्या नाम है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। अंतर्राष्ट्रीय मैच की हॉकी की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट। नहीं, गलती 30 मिनट दिया है, अभी बदल गया है, 60 मिनट होगा। 60 मिनट इसका होगा आंसर। फुटबॉल का अगर आप लोग बैठे होंगे लेकर, तो 60 मिनट कर लीजिएगा। कोर्स घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? गोल्फ। जस्ते में लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है, गैल्वेनीकरण। सत्यात प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। लॉर्ड डलहौजी ने किसका प्रयोग करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था? हड़प नीति। शुक्र एक क्या है? अंतः ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम बताइए। एथाइन। गल्जीकाय के प्रमुख कार्य श्रावी, श्रावी करता है। यातायात प्रबंधक इसको बोला जाता है। मानव नेत्र की रेटिना में कोण क्या होता है? सिलियरी पिंड पर अधिक होता है। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? ये लूनर कास्टिक सिल्वर का है, सिल्वर का। उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? सवाना कहलाता है। तमिलनाडु का अधिकांश वर्षा किससे होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। सल्तनतकालीन सल्तनतकालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने क्या चलाया था? इक्तादारी प्रथा चलाया था। तारों तथा सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड। स्वशासन होम रूल सरकार को किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, 1916 में। ठीक है,
डांडी यात्रा गांधी जी ने कब की? 1930 में। प्रथम पानीपत युद्ध बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर 1526 से 30 के बीच में चार को युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध, खानवा का, सब में बाबर जी विजयी रहा था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? एडविन एल्ड्रिन था। एडविन एल्ड्रिन था। म्यांमार के पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा। तेंदु के पत्ते का प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है? गिरी बनाने में कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमार गुप्त। क्यूबा किस सागर में स्थित है? क्यूबा। क्यूबा क्यूबा की राजधानी? हवाना। चीनी कटोरा इसको बोला जाता है? कैरिबियन सागर में स्थित है। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण? बैरोमीटर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। अक्टूबर नवंबर के बीच भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात होने की संभावना ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है। अच्छा, बढ़ जाती है बोले। कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स मॉडेम संग्रहण करने वाला माध्यम है कि नहीं है? नहीं है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। सीजीएल के तैयारी भूल कंप्यूटर पढ़ल गई बात तो भाई कुछ इफेक्ट पड़ी ना। प्लूटो एक खोज करता है प्लूटो कहते हैं टॉम्बेग। मिस्र में अब सिंबेल का सूर्य मंदिर कहाँ है? किनको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या थी? स्वान। मैगलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका के किस बिंदु पर अवस्थित है? दक्षिणतम बिंदु पर। भूटान की राजधानी? थिम्पू। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। कब? 1905 में। चोल शासक के पास सबसे शक्तिशाली क्या थी? नौसेना थी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, ताप्ती, नर्मदा, एक और है, माही। ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। चोल शासक के बाद तो हो गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचनाकार कौन है? बंकिम चंद चटर्जी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं किसे मिलती है? म्यांमार से मिलता है। महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है या नहीं है? नहीं है। शिवालिक का महादेव कहाँ? द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम? ब्यूटेन। ब्यूटेन का बताइए सूत्र? C4H10। मैग्नेटाइट का सूत्र? Fe2O3 Fe3O4। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाने वाला हार्मोन का ये होगा, हेमेटाइट का Fe2O3 होगा। जिसका पूछा जा रहा है उसको बताइए। मैग्नेटाइट का पूछा गया था, इसमें तो Fe3O4 होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाने वाला हार्मोन क्या करता है? सारे स्टोर्ड होते हैं, स्टोइड होते हैं। हार्मोन शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर किनके द्वारा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाता है। पीतल जो होता है किससे घटक है? तांबा जस्ता। कांसा? तांबा टिन, ठीक है, कॉपर टिन, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टील किसका घटक है? लोहा और कार्बन का। डच धातु जिसे क्या कहते हैं? डच धातु पीतल को कहते हैं, तो यानी पीतल तांबा जस्ता। बेल धातु कांसा कहते हैं, तो तांबा टीन हो जाएगा। गन धातु यानी गन मेटल तांबा टीन जस्ता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, तांबा जस्ता निकेल होता है। शोल्डर किसका बना होता है? शीशा टीन का। गन मेटल हाँ टीन, ठीक है। मुद्रा धातु तांबा टीन फास्फोरस। अच्छा, मुद्रा धातु कोई सिक्का है। कृत्रिम सोना तांबा एल्यूमिनियम। शोल्डर किसका बना होता है? शीशा टीन का। डुरेलुमिन एल्यूमिनियम और तांबा का। रोल गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम का।
एल्युमिनियम तांबा। अच्छा एल्युमिनियम तांबा। बुड्स धातु सीसा बिस्मथ टिन कैडमियम नाइक्रोम निकल लोहा क्रोमियम। हाँ निकल लोहा क्रोमियम। जमरोधी इस्पात में क्या होता है तो लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन का के मिल जाए। इधर इधर साधारण नमक का व्यापारिक नाम बताइए। सोडियम को ट्राई मैंने जुपिटर लाइक ग्लोब है। जिप्सम का बताइए। हरा कशिश का बताइए। फेरस सल्फेट होता है। हरा कशिश का FeSO4 5H2। नीला होता है सी यू कॉपर नीला होता है। ठीक है हरा कशिश से फेरस सल्फेट होगा FeSO4। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। लॉपिंग गैस N2O को बोलते हैं। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं KNO3। नवसादर किसको बोलते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। भारी जल D2O को बोला जाता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। यूरिया का रासायनिक नाम बताइए। कार्बामाइड बोला जाता है NH2CO NH2। नीला कशिश का कॉपर सल्फेट होता है COSO4 5H2O होता है। मिक किसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट को जो 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। यूनियन कार्बाइड कंपनी था। जल गैस किसको बोलते हैं CO+H2। जल मतलब क्या जल का सूत्र क्या होता है CO+H2O होता है तो उसमें H रहेगा तो CO+H2। अब प्रोड्यूसर गैस क्या क्या होता है CO+N2 रहेगा। अब इसके आगे कल होगा इसके बाद बुकिंग चलेगा। साइंस साइंस पूछते हैं हम। दृष्टि ठीक है दृष्टि से साइंस चल रहा है। प्रक्षेप गति तक हो गुरुत्वाकर्षण तक हो गया था। गुरुत्वाकर्षण जी का SI यूनिट बताइए। SI मात्रक कैपिटल जी का SI यूनिट केजी मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गलती है केजी मीटर जी बड़ा जी केजी मीटर स्क्वायर प्रति लीटर। गलती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हां न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है कैपिटल जी का मान बताइए कितना होता है। ठीक है स्मॉल जी का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्मॉल जी बराबर सूत्र क्या होता है। कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बटा मास ऑफ त्रिज्या का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर होता है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बटा यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। ठीक है जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका द्रव्यमान उसका जड़त्व हाँ जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। आई बराबर क्या होता है MR स्क्वायर होता है। तब फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। हाँ आगे बताइए W बराबर MG होता है। ठीक है W क्या है वेट है। हाँ, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है। 1/6। हाँ द्रव्यमान कहीं पे भी नहीं चेंज होता है। 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा लेकिन 60 N अगर है पृथ्वी पर तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 10 N हो जाएगा। तो भार को भार का भी SI यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा। द्रव्यमान का SI यूनिट kg होता है जिसके वजह से ये भार का SI मात्रक न्यूटन द्रव्यमान का kg। भार कैसी राशि है
भार सदिश राशि है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशि है। एफ बराबर एम ए, ठीक है, एफ बराबर एम जी भी होता है, ठीक है। स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर। सबसे अधिक ध्रुव पर। शून्य कहाँ पे होता है? केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य, भूमध्य रेखा पे कम, ध्रुव पर अधिकतम। सब कल नहीं होने के कारण। चलिए आगे। जी का मान पृथ्वी की आकृति पर निर्भर करता है या नहीं करता है? करता है। पृथ्वी की आकृति पर निर्भर करता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बटा पृथ्वी के त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो नीचे त्रिज्या है तो व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, स्मॉल जी का मान घटेगा। पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, यानी कि ये किसके? गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। आगे। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और केंद्र पर जीरो होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर। किसी पिंड के लिए जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का कितना होता है? एक चौथाई होता है, एक चौथाई। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जब, यानी कि कितना, 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए जी का मान कितना होगा? 1/4। यदि पृथ्वी वर्तमान गति से, यानी कि 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः जितनी तेजी से घूमना प्रारंभ कर देगा तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा, जिसके जी का मान घट जाएगा, ठीक है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, या ऊपर जाने पर भी घटता है। पृथ्वी के सतह पर बैलेंस रहता है। लिफ्ट यदि कोई, यानी कि लिफ्ट यदि ऊपर जा रहा है तो उसका भार ज़्यादा है, अगर समान त्वरण से जा रहा है तो शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं, भार बढ़ेगा, बढ़ेगा भार, ठीक है। समान त्वरण से नीचे आएगा तो घटेगा। त्वरण का मान जब शून्य होगा तो आभासी भार बराबर होगा वास्तविक भार के, ठीक है। आगे बताइएगा। आभासी भार अधिक होगा वास्तविक भार के जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, आभासी भार कम होगा वास्तविक भार के जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? शून्य भार भी शून्य हो जाएगा और भारीता होगा और वस्तु लिफ्ट के छत से जा टकराएगा। जब लिफ्ट एक समान वेग या शून्य त्वरण से ऊपर नीचे जाए तो उसका आभासी भार वास्तविक भार के समान होता है, यही चीज़ दिया हुआ, पूछ लिया गया है। चलिए। उपग्रहों की पृथ्वी की परितः भ्रमण की गति जो होती है उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार? वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार, दोनों होता है, ठीक है।
पृथ्वी की अक्षीय गति का आवर्तकाल कितना होता है? कितना घंटा? 24 घंटा। पृथ्वी के समकक्ष यानी कि पृथ्वी के समतुल्य ऊपर यानी कि उपग्रहों को यानी कि सेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूतुल्यकालिक उपग्रह। जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है इसकी? भूतुल्यकालिक उपग्रह। पृथ्वी तल से कितने मीटर कितने की ऊंचाई पर उपग्रह को यानी कि सैटेलाइट को सेट किया जाता है? छत्तीस हजार किलोमीटर यानी कि एग्जैक्ट जो होगा ना 35786 होता है, 35786 होता है, लेकिन एग्जैक्ट इसको माना जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सात उपग्रह में से तीन भू स्थिर उपग्रह IRNSS 1C, 1F और 1G है। चार है IRNS 1A, 1B, 1D। गति थोड़ी ना होता है, ऊंचाई होता है। भूमि तल से उसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह जिसको कहा जाता है 35786 एक्यूरेट है। 36,000 ही मिलता है सभी जगह लास्ट में, मतलब भारत का मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की नेविगेशन का नाम क्या क्या था? कौन सा उपग्रह था? इनसेट। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली नेविगेशन इत्यादि के लिए ये उपयोग किया जाता है भूतुल्यकालिक उपग्रहों का। यानी कि भूतुल्यकालिक उपग्रहों का उपयोग जो होता है दूरदर्शन प्रसारण में, ठीक है, संचार उपयोग में, ठीक है, उसके बाद यानी कि मौसम के पूर्वानुमान का पता लगाने में। पृथ्वी के ध्रुवों के परितः यानी कि परिक्रमण काल किस दिशा से किस दिशा की तरफ होती है? उत्तर से दक्षिण। यानी कि पृथ्वी के ध्रुवों के परितः यानी कि परिक्रमण करने के जो उपग्रहों की यानी कि ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं उनके उत्तर से दक्षिण दिशा होती है। ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 500 से 800 किलोमीटर। हाँ, इन उपग्रहों का आवर्तकाल कितना होता है? 100 मिनट। कितना होता है? 100 मिनट। चलिए इतना ही रहन देते हैं, कल से यहाँ से देखेंगे, प्लान बेग से हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, प्लान बेग से देखा जाएगा।